इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती साधना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री हितेंद्र कुमार जैन, श्रेणिक जैन, निहारिका जैन, नरही लखनऊ, आयोजक भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट अमेठिया काकोरी लखनऊ, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज लखनऊ। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर लखनऊ की धर्मधरा काकोरी स्थित श्री पार्श्वनाथ धाम में 30 नवंबर 2023 को मांगलिक भवन का भव्य शिलान्यास शाहबाद मोहम्मदपुर दिल्ली में स्थापित चैत्यालय की स्थापना एवं आहार कक्ष के लोकार्पण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस मांगलिक कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, धर्म लाभ लेते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 30 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर लखनऊ की धर्मधरा काकोरी स्थित श्री पार्श्वनाथ धाम में मांगलिक भवन का भव्य शिलान्यास शाहबाद मोहम्मदपुर दिल्ली में स्थापित चैत्यालय की स्थापना एवं आहार कक्ष के लोकार्पण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारम्भ श्रद्धालुओं ने गुरुवर सत्संग के साथ समारोह स्थल की ओर अग्रसर होने के साथ किया। गुरुवर सत्संग के समारोह स्थल पहुंचने के उपरांत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, तो वहीं पूज्य गुरुवर ने मान स्तंभ एवं प्रभु को नमन वंदन कर प्रार्थना की। अगली कड़ी में पुण्य प्रतापी भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु के शीश पर मंगल कलश डुराते हुए प्रासुक जल से अभिषेक किया। कर ले जिन भर का अभिषेक आई सारी नगरी, आई सारी नगरी, झूमे जनता सगरी, आई सारी नगरी, झूमे जनता सगरी, कर ले जिन भर का अभिषेक आई सारी नगरी, कर ले जिन भर का अभिषेक आई सारी नगरी। इसी बीच समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं धर्म पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया। साथियों ने स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। स्वागत सम्मान के बाद जिनेन्द्र भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर सुख शांति एवं समृद्धि की कामना करते हुए विश्व कल्याण की भावना भाई। सर्व रोगो सर्व नाशना, सर्व कच्छ दोपद्रो विनाशना, सर्व छामडा और विनाशनाय, ओम हराम हरिम हरोम हराउ रासिया उषा नमः श्री सकल दिगंबर जैन समाज चतुर्थ संघ से मम चा अभिषेक शांत अभिषेक जैन दिल्ली एवं श्रीमान प्रदीप जैन दिल्ली शांति धारा करता सर्व ज्ञानवर्ण कर्म
दर्शना वर्ण कर्म वेदनीय कर्म मोहिनीय कर्म आयु कर्म नाम कर्म। शांति धारा के बाद विशिष्ट जनों ने गुरुवर के सानिध्य में पार्श्वनाथ विधान पुस्तिका का विमोचन किया तो वही पूज्य गुरुवर ने पुस्तिका के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। पूरे कांकोरी की सारी चीजें इसमें यहाँ पर हमने रखे। सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान का परिचय दिया, इसमें भगवान पार्श्वनाथ 10 भाव तक कैसे कैसे बने हैं पूरा परिचय भगवान पार्श्वनाथ का आया हुआ है। परिचय के पश्चात अभिषेक हिंदी में जो छोटा अभिषेक का पाठ इसी से रोजाना कर सकते हैं। अभिषेक पाठ के पश्चात इसमें शांति धारा आरती और अभिषेक समय के भजन इत्यादि और उसके पश्चात अपने आप सबसे क्रम से सबसे पहले आदिनाथ भगवान बन रहे इसलिए आदिनाथ भगवान की पूजन दे रखी। छोटे लघु पूजा विधि में दे करके मुंशीवतनाथ भगवान की पूजन इसमें है, नैमीनाथ भगवान की पूजा इसमें है, पार्श्वनाथ भगवान पूजा विधान पूरा इसके अंदर दिया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने गुरुवर सत्संग के सानिध्य में विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं कर ध्वजारोहण करने का सुअवसर प्राप्त किया। धर्म की ध्वजा रही लहरा, धर्म की ध्वजा रही लहरा, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाय, धर्म की ध्वजा रही लहरा। ध्वजारोहण करने के उपरांत श्रापक श्रापिकाओं ने मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित कर अखंड दीप प्रज्वलित किया। तदुपरांत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को जिनवाड़ी जी भेंट एवं पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी क्रम में भक्तों ने संगीतबद्ध वातावरण में मंगल दीपों से गुरुवर की आरती कर गुरु भक्ति का आनंद लिया। अगले क्रम में पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर का पड़गाहन कर आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया। अपार कितना अद्भुत दृश्य है, सुंदर खुशियाँ छाई अपार, गुरुवर अपने प्रिय भक्त। तदुपरांत श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव से विधान पर अर्घ्य समर्पित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। साथ ही भक्तों ने मंडल जी पर श्रीफल समर्पित किए तो वहीं श्रद्धालुओं ने संगीतबद्ध वातावरण में आनंद विभोर होकर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। तप धर्म आवश्यक धारी, त्रैगुप्ती पंचाचारी है, 36 गुण के धारी आचार्य जगत उपकारी। प्रतिष्ठोद अपनी पूर्वा है पंचम वल्योन मुद्रित, 37 गुण मूल गुण संयुक्त श्री आचार्य परमेष्टिभ्यो नमः। पूर्णार्घम दुर्भामिति स्वाहा। दूसरा ओम ह्रीम सत्य महामृतक साधु परमेष्टि अर्घम दुर्भामिति स्वाहा। ओम नमाचार्य महामृतक साधु परमेष्टि अर्घम दुर्भामिति स्वाहा। ओम ह्रीम ब्रह्मचार्य महावृतक साधु परमेष्टि अर्घम दुर्भामिति स्वाहा। ओम अपरिग्रह महावृतक साधु परमेष्टि अर्घम दुर्भामिति स्वाहा। ओम ह्रीम वीर्य समिति साधक धारक साधु परमेष्टि अर्घम दुर्भामिति स्वाहा। ओम ह्रीम भाषा समिति धारक साधु परमेष्टि अर्घम दुर्भामिति स्वाहा। ओम ह्रीम वेषणा समिति धारक साधु परमेष्टि अर्घम दुर्भामिति स्वाहा। साधु परमेष्टि अर्घम दुर्भामिति स्वाहा। ओम ने स्पर्शन इंद्रिय विकार रहित विरत साधु परमेश्वर अर्घम दुर्भामिति स्वाहा। अरे बाबा क्या बात है, बाबा का साथ है, बाबा का साथ है, बाबा का साथ है। कुंडलपुर में बधाई, कुंडलपुर में बधाई, नगर में भीड़ में नगर में भीड़। अगले क्रम में जिनेन्द्र भक्तों ने गुरुवर सत्संग के सानिध्य में प्रभु को सुसज्जित रथ पर विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली। धाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है,
धूम धाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। घोड़े रथ बग्गी टोली सजे हुए कैसे सुंदर। इस शोभा यात्रा में जहां श्रद्धालुगण धर्म ध्वजा हाथों में लिए दिखाई दे रहे थे, तो वही बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य जिनेन्द्र भक्त धर्म की प्रभावना करते दिखाई दिए। अंबर भाव में डूबे भक्तों की ये मंगलकारी यात्रा है। शाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। शोभा यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने पर भक्तों ने पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कजल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर। कार्यक्रम में अब समय था पूज्य गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को संसार के सार का बोध कराया। सबसे पहले जो उसकी फसल आती है तो उसको बीज रूप में सुरक्षित रखता है, उसके बाद बचने के बाद वो अपने स्वयं के खाने के लिए बचाता है, बाद में वो देने का लेने का बेचने का काम। बीज राख फल भोगवे, जिस प्रकार से बीज सुरक्षित रख लेता है जो फल होता है उसका भोग करता है, त्यों चक्री नित सुख करे धर्म विसारे नाए। उसी प्रकार से चक्रवर्ती क्या होता है, चक्रवर्ती बजजंग के बारे में वैराग भावना लिखी गई। चक्रवर्ती सुबह से लेकर के उठकर सबसे पहले भगवान की भक्ति आराधना अभिषेक पूजन साधु संतों को आहार दान देता है, उसके बाद वो अपने राज्यसभा में बीज हो गया ना, बीज को सुरक्षित रख करके अपना काम करता हुजूर, यहां का भी और वहां का भी। चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पर लेके आए कौन से, साधु जी की तरफ इशारा किया, साधु जी के इशारा करते हुए ले हुजूर ये यहां के तो नहीं लेकिन यहां तो कुछ नहीं उनके पास नजर आ रहा, लेकिन हमको इस बात को लेकर एक घटना याद आई। एक बार एक राजा का क्या बोलते लवाजमा, लवाजमा जानते ना, लवाजमा का मतलब होता है राजा की जो सेना है सब उस फौज फाटा है सबको लवाजमा बोलते। राजा का पूरा लवाजमा चल रहा था, हाथी घोड़े रथ प्यादे। राजा पहले हाथी पर बैठा हुआ था, हाथी पर बैठने पर धूप लगने लग गई तो हाथी से इशारा किया, हम हाथी पर नीचे उतरा। नीचे उतारा तो चार व्यक्ति कहार पालकी लेकर के सामने पहुंच गए। पालकी ऊपर से बंद है, छाया है, कहारों ने अपने कंधे पर पालकी को रखा और ले जा करके पहुंचे। आगे एक बहुत बड़ा पेड़ था, पेड़ के नीचे तंबू लगे हुए थे, तंबू के आगे वहाँ पर एक तखत सिंहासन वहाँ पर लगा था। कहारों ने पालकी को वहाँ उतारा, राजा उठ करके अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। जब सिंहासन पर राजा विराजमान हो जाते हैं तो जो कहार थे वो चारों कहार पैर राजा के पैर दबाने लगे। इस दृश्य समय पर दो महिलाएं कुएं पे पानी भरते हुए देख रही थीं, तो एक बुजुर्ग महिला थी एक नई नवेली थी। तो नई महिला थी उसने बुजुर्ग महिला से प्रश्न किया, बोले सखी ये हमारे
गुरुवर के मंगल प्रवचन के बाद विशिष्ट जनों ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए फीता खोलकर आहार कक्ष का लोकार्पण किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देश एवं गुरुवर सत्संग के सानिध्य में मांगलिक भवन का शिलान्यास किया। पावन ये शिलान्यास है, पूज जिनालय का प्रारंभ है, ये क्षण बड़ा ही खास है, ये क्षण बड़ा ही खास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। विधिवत पूजा करके सभी ने नीव का पत्थर रखवाया, भक्तों के संग मनोभाव से भूमि पूजन करवाया। धर्म की कीर्ति जग में फैले, पुण्य का किया प्रयास है, पुण्य का किया प्रयास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। जग में आज से ये धरती अब धर्म धरा कह लाएगी, जैन धर्म की माला का एक मन का ये बन जाएगी। समारोह की समापन बेला में कमेटी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। श्यामा मूर्ति आचार्य श्री 108 विशाल सागर जी महाराज एवं विशाल सागर महाराज संघ के पावन सानिध्य में विशद मांगलिक भवन का शिलान्यास, आहार कक्ष का लोकार्पण एवं जो दिल्ली से हमारा चैत्यालय आया है उसकी मूल वेदी में स्थापना गाजे बाजे के साथ की गई, जिसमें लखनऊ जैन समाज के हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। सर्वप्रथम श्री जी का अभिषेक नित्य मूचन के उपरांत याग मंडल विधान का आयोजन किया गया, उसके उपरांत श्री जी की शोभा यात्रा हमेठिया गांव के विभिन्न मार्गों से निकलते हुए मंदिर पर आई। तदुपरांत आचार्य श्री विशेष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आहार कक्ष का लोकार्पण एवं शिलान्यास की मांगलिक क्रियाएँ की गईं। इसमें प्रमुख रूप से हमारे प्रमुख शिलान्यासकर्ता श्री सैनिक जैन एवं श्री धर्मवीर जैन विशेष रूप से उपस्थित थे। सभी साधर्मी बंधुओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खास तौर से श्री कैलाश चंद जैन भारती एवं श्री संदीप जैन श्री शैलेन जैन का विशेष योगदान रहा। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 30 नवंबर 2023 को आयोजित हुए मांगलिक भवन के भव्य शिलान्यास, शाहबाद मोहम्मदपुर दिल्ली में स्थापित चैत्यालय की स्थापना एवं आहार कक्ष के लोकार्पण समारोह के पावन दृश्यों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर लखनऊ की धर्मधरा काकोरी स्थित श्री पार्श्वनाथ धाम में आयोजित इस समारोह में जहाँ भक्तों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांतिधारा करने का सुअवसर प्राप्त किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने मांगलिक भवन का शिलान्यास कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती साधना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री हितेंद्र कुमार जैन, श्रेणिक जैन, निहारिका जैन, नरही लखनऊ, आयोजक भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट अमेठिया काकोरी लखनऊ, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज लखनऊ।